दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं वेबसाइट से रिलेटेड। वेबसाइट में जो ऊपर में आप देख रहे हैं हमारा मेनू, ये मेनू से रिलेटेड हम बात करेंगे। इसमें हम लोग मेनू और सब मेनू लगाने की कोशिश करेंगे। अगर आप वर्डप्रेस का प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप इसका मेनू और सब मेनू अपने इच्छा के अनुसार, अपने कैटेगरी के अनुसार सेट कर सकते हैं, ताकि अगला बंदा जो भी रीडर आपके वेबसाइट में आए, आपको मेनू वाइज इसको टैब मिल जाए। जैसे यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी को हाईलाइट किए हैं, जैसे CMC वैल्यू हॉस्पिटल, तो CMC से रिलेटेड तमाम चीज़ यहाँ मिल जाएगा। यहीं पे देखिए नीचे में MS ऑफिस है, इसको पर जैसे ही क्लिक करते हैं मेनू के अंदर एक और एक सब मेनू बन जाता है। तो फिलहाल हम लोग बात करेंगे कि मेनू के अंदर सब मेनू को हम लोग कैसे लगाएंगे। और यहाँ पर हम कुछ लगा के रखे हैं और कुछ यहाँ पर ही छोड़े हुए हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे मेनू को लगाना कैसे है, मेनू के अंदर में सब मेनू कैसे लगाना है। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज सबीर एंड यू आर वाचिंग अप्रिची जोन यूट्यूब चैनल। आप अप्रिची जोन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। यहाँ पे तकरीबन 500 से ज्यादा वीडियो आपको मिल जाएगा, जो बेसिक और एडवांस लेवल को ध्यान में रखकर किया गया है। आप अपने हिसाब से प्लेलिस्ट में जाके तमाम चीज को आप खोज सकते हैं पारी पारी से यूट्यूब चैनल में। तो चलिए हम लोग अपना डैशबोर्ड में आ चुके हैं। डैशबोर्ड में जाने के बाद देखिए यहाँ पे आपको अपीयरेंस का ऑप्शन मिलेगा। यहीं पे जब जाइएगा तो थीम कस्टमाइजेशन, कस्टमाइज विजेट, मेनूज का ऑप्शन मिलता है। तो मेनू में हम यहाँ पे देखिए जितना भी मेनू यहाँ पे लगाए हुए हैं फिलहाल, कॉन्टैक्ट, अबाउट, होम और लर्न। लर्न में बहुत सारा मेनू है और इसके हिसाब से सब मेनू इसमें यहाँ पर किया है। जैसे गूगल से रिलेटेड है तो गूगल क्रोम है, गूगल एडसेंस है। तो जो जो कैटेगरी का है उसके अंदर में बहुत सारा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करिएगा डायरेक्टली पूरा पूरी प्लेलिस्ट में चल जाइएगा, जहाँ पर आपको 14 वीडियो, 15 वीडियो, 2 वीडियो, 4 वीडियो, 27 वीडियो, इस तरह से सीरीज वाइज मिल जाएगा, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, कंटिन्यू आप देखते रहें। तो हम लोग यहाँ से डैशबोर्ड में फिलहाल तो हम लोग मेनू लगाएंगे। तो सबसे पहले मेनू लगाने के लिए देखिए यहाँ पर इतना मेनू बना हुआ है। अब यहाँ पे हम एक मेनू लगाते हैं फेसबुक से रिलेटेड, ठीक है। फेसबुक पेज से रिलेटेड हम यहाँ पे मेनू लगाते हैं। तो यहीं पे देखिए आपको कस्टम लिंक का एक ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करिएगा, यहाँ पर हम कोई पेज अभी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट कस्टम लिंक क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर हम हैश लगा देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं फेसबुक, फेसबुक ट्यूटोरियल्स, ठीक है, और इसको हम ऐड कर देते हैं। तो देखिए नीचे की तरफ आपका तो ऐड हो ही चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं, सेव कर दिए। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं, देखिए उसका पोजीशन कहाँ है, इसका पोजीशन है यहाँ पे फेसबुक ट्यूटोरियल्स, ठीक है। लेकिन हमको लाना है लर्न के अंदर में यहाँ पे। तो सिंपली आपको करना क्या है, जस्ट इसको आप यहाँ से पकड़िए और ऊपर की तरफ जाइए। ऊपर की तरफ जाने में आप देखिए आप कहाँ रखना चाह रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे इसको रख देते हैं डेस्कटॉप के बाहर या और नीचे या ऊपर, जैसा आप चाहें। तो चलिए हम यहाँ पर ही रख देते हैं, लिनक्स ट्यूटोरियल का नीचे हम रख देते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। सेव हो गया। अभी यहाँ से सेव होने के बाद हम रिफ्रेश करेंगे इस पेज को, तो देखिए ये फेसबुक वाला जो है ये यहाँ से हट के इसके अंदर आ चुका है। देखिए लिनक्स के अंदर यहाँ पर फेसबुक आ चुका है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि फेसबुक के साथ आइकॉन भी ऐड कर दें, तो बस फिर से वहाँ जाइए, फेसबुक वाला जगह में जाइए आप, ये रहा फेसबुक, इसको ड्रॉप डाउन मेनू को क्लिक करिए और यहाँ से आप सिलेक्ट आइकॉन में क्लिक करिए। डिपेंड करता है कौन सा थीम आप यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ से देखिए आपको फेसबुक का आइकॉन मिल जाएगा, जस्ट आप उसको लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम फेसबुक का आइकॉन लगा देते हैं और ओके करते हैं, ठीक है। अब साथ ही साथ
अगर आप चाहते हैं फेसबुक का सारा ट्यूटोरियल इसका अंदर हैश का जगह में URL जहां लिखा हो वहां लगा दें, तो इसका करना क्या होगा, जस्ट आप फेसबुक वाला प्लेलिस्ट जो वीडियो हमारा यूट्यूब चैनल में है यहाँ पर, या फेसबुक का ट्यूटोरियल्स देख लीजिए कितना है, यहाँ पर टोटल 16 वीडियो है। जस्ट इसके ऊपर राइट क्लिक करिए, कॉपी लिंक एड्रेस करिए और फिर से यहाँ जाइए, यहाँ जाइए और यहाँ पे हैश का जगह में इसको पुट कर दीजिए, ठीक है, और इसको सेव कर दीजिए। तो होगा क्या, ये वाला अब यहाँ से आप फेसबुक में जाइएगा, रिफ्रेश करिए, फेसबुक में जाइए, देखिए फेसबुक का आइकॉन भी लग गया है। और यहाँ पे जैसे ही आप फेसबुक पर क्लिक करते हैं तो इससे रिलेटेड सारा वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, पारी पारी से आप देख सकते हैं है। और ठीक है, यहाँ पर ही आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। तो टोटल हम लिंक ही लगा दिए हैं यहाँ पे ताकि रीडर्स को कोई भी परेशानी ना हो। अब चलिए यहाँ पे हम लोग तो मेनू तो लगा दिए हैं और इसको कहाँ पर ही हमको क्लिक एंड ड्रैग करके लाना था वो भी दिखा दिए हैं। अब हम चाह रहे हैं कि जैसे मान लिया, समझ लीजिए सब मेनू लगाना है, तो देखिए यहाँ पर वीडियोग्राफी है, तो वीडियोग्राफी के अंदर में हमको सब मेनू लगाना है जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ से रिलेटेड हो। जैसे वीडियोग्राफी में हमारा क्या क्या है, तो सपोज मान लीजिए वीडियोग्राफी में हमने 2-3 सीरीज़ बनाया है, तो यहाँ से चलते हैं, देखिए यहाँ पे आपको सीरीज़ मिलेगा, जैसे यहाँ आपको सीरीज़ मिलेगा लिनक्स है, लेटेस्ट न्यूज़, गूगल एडसन, वर्डप्रेस ट्यूटोरियल्स, साइबर लिंक पावर डायरेक्टर। ये वीडियोग्राफी का मैंने, ये एक्चुअली आपका ये है क्या बोले आता है, मैंने पूरा सीरीज है जिसमें 7 वीडियो है, साइबर लिंक पावर डायरेक्टर। तो हम इसको राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद डैशबोर्ड में जाते हैं और यहाँ से कस्टम लिंक फिर से क्रिएट करते हैं। ये वीडियोग्राफी के अंदर में सब मेनू बनेगा, तो यहाँ पे अब हमको हैश नहीं लिखना है, यहाँ पे जस्ट वो वाला लिंक को पेस्ट कर देना है और यहाँ पे लिखना है साइबर लिंक पावर डायरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साइबर लिंक पावर डायरेक्टर। ये वीडियो एडिटिंग और वीडियोग्राफिक का एक सीरीज है, ठीक है। हम इसको अब ऐड करते हैं, तो ऐड हो गया। और उसके अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं, हम सोनी वेगास प्रो को भी हम ऐड करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये वीडियोग्राफी से ही रिलेटेड इसका सीरीज है, तो हम वीडियोग्राफी के अंतर्गत रखेंगे इसको। इसको हम कॉपी करते हैं, फिर से यहाँ से पेस्ट करते हैं और इसका बना देते हैं सोनी वेगास प्रो, 13 वर्जन का था। चलिए और इसमें आ सकता है वो है वंडर शेयर, चलिए वंडर शेयर की तरफ चलते हैं, कहाँ है वंडर शेयर, वीडियो एडिटिंग एंड वंडर शेयर। चलिए यहाँ पे 11 वीडियो है, इसको हम करते हैं वंडर शेयर। तो यहाँ पे लिखते हैं, इसको हम यहाँ पर लिंक लगा देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं वंडर शेयर सीरीज, ठीक है। चलिए इसको भी लगा दिए, और अगर वीडियो से रिलेटेड कुछ है तो उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल, चलिए ये भी इसी कैटेगरी को बिलोंग करता है, इसको हम कॉपी करते हैं। यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग और स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड ऑडियो ऐड कर देते हैं। चलिए ये सारा चीज़ हम तो ऐड कर दिए, लेकिन गया कहाँ है, हमको लाना है वीडियोग्राफी का नीचे में, इसका नीचे में लाना है और ये चले गया है बिल्कुल नीचे। तो हम इसको करना क्या है, इसको जस्ट आपको पकड़ कर ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ वीडियोग्राफी का नीचे में लाना है। चलिए वीडियोग्राफी के नीचे में ला के उनको ऐसे नहीं रखना है, जस्ट इधर पर इस तरह से कर देना है ताकि इसका नीचे आए, ठीक है। फिर से पकड़ते हैं और इसको, इसका माने ये वीडियोग्राफी है उसके अंदर में ये सब आ रहा है, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा स्लाइडली
स्लाइड करके रखे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे चलते हैं वंडर शेयर, इसको सोनी वेगास का नीचे रख देते हैं, सब मेनू सब आइटम, ठीक है। फिर इसको चलते हैं यहाँ पे और इसको कर देते हैं वंडर शेयर का नीचे। ये तमाम चीज़ यहाँ पे आ गया है। अगर चाहें तो आप यहाँ पर ही अपना हिसाब से यहाँ पर ही आइकॉन वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको आइकॉन फिलहाल सिलेक्ट नहीं करना है, हम जस्ट आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर मेनू को हम सेव करते हैं। मेनू को सेव करने के बाद जब मेनू सेव हो जाएगा तब होगा क्या, जैसे अभी इससे पहले आपको देखिए यहाँ पे लर्न में जाते थे तो यहाँ पे देखिए एक एरो है, यहाँ पे एरो है, तो इसके अंदर एमएस ऑफिस से रिलेटेड सारा चीज़ आ गया है। यहाँ पे वीडियोग्राफी में आते हैं तो वीडियोग्राफिक से रिलेटेड ये चार चीज़ यहाँ पर ही मेनू और सब मेनू के हिसाब से यहाँ पर ही आ जाता है। तो बस एक बहुत सिंपल सा एक जानकारी था। अगर आप वर्डप्रेस का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं या और भी किसी तरह का थीम वगैरह यूज़ करते हैं, ब्लॉगिंग ब्लॉगस्पॉट का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, तो उसमें आपको थीम को बहुत अच्छा से कस्टमाइज़ किया जाता है। एचटीएमएल फॉर्मेट का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए जिसमें आपको वक्त लग सकता है, लेकिन वर्डप्रेस का प्लेटफॉर्म में उतना परेशानी नहीं होता है। तो यही वीडियो था एक्चुअली। अगर आप हमारे वीडियो से आपको कुछ लाभ होता है तो ज़रूर से जब हमारे आप वेबसाइट में विजिट करिए और हमारे चैनल में विजिट करिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। चलिए आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।